झारखंड में इस साल लगातार बारिश की वजह से निराश किसानों के चेहरे में खुशी की लहर दिख रही है। बता दें ये तस्वीर झारखंड के साहिबगंज जिले के बरहरवा प्रखंड के खेतों की है, जहां पर किसान अपने खेतों में धान की रोपाई करते हुए दिख रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट में हमारे संवाददाता धनंजय साह ने किसानों से खास बात। नमस्कार, रफ्तार मीडिया देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ धनंजय कुमार। अभी हम झारखंड के साहिबगंज जिले के बरहरवा प्रखंड के खेतों बिलानों में मौजूद हैं, मेरे साथ किसान हैं। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि 2022 में अकाल घोषित हो चुकी थी और किसानों को काफ़ी नुकसानों का सामना करना पड़ा था। उनकी खेती बाड़ी हुई नहीं थी और इसके कारण से फसल भी नहीं उपज पाया, जिसको लेकर काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा किसानों को, कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इससे पूर्व वर्ष में भी जो हुआ वो भी हम सभी जानते हैं और इस वर्ष में भी किसान निराश हो चुके थे कि इस वर्ष भी वैसी स्थिति हो सकती है क्या, लेकिन भगवान ने दया दिखाई और अन्नदाताओं के लिए जलों की वर्षा की और वर्षा हुई, फिर खेतीबाड़ी अभी शुरू हो गया है। और यहाँ पे जैसे कि एक किसान हैं और किसान अंकल है जो धानों का रुपाई कर रहे थे, और साथ में मेरे बगल में जो भी धान रुपाई करने के लिए जो महिलाएं आती है बगल के गांव से या फिर अगल बगल से, जो मजदूरी के रूप में काम करती है, वो लोग भी है। तो ऐसे में हम किसान अंकल हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। तो हम देर ना करते हुए हम बातचीत शुरू करते हैं। क्या नाम हुआ अंकल आपका? नूर मोहम्मद। आप बगल के ही किसान हैं? केंदुआ के। केंदुआ के। कितना बीघा चास करते हैं आप? मोटामोटी 7-8 बीघा। 7-8 बीघा चास करते हैं। इस साल ऊपर वाला ने किसानों के ऊपर दया दिखाया, कैसा महसूस कर रहे हैं? नहीं, हम लोग तो पूरा आश्रित हैं पानी, अब तक जो मिला तो हम लोग काम शुरू किए। काम शुरू करने के बाद से आज से हम स्टार्ट किए और यही आशा लेकर के जो है फसल अच्छा हो। आप लोग जो हैं, जो देश के किसान हैं, जो अन्नदाता हैं, वो पूरे देश के लोगों का पेट भर चुका है। तो ऐसे में किसानों की क्या वैसी समस्या है जिनको सरकार पूर्ति नहीं कर पा रही है, ताकि अगर सरकार उन किसान की उन समस्याओं पर ध्यान दे तो किसान थोड़ा सुखी हो सके और किसान थोड़ा बेहतर तरीके से अपना खेती बाड़ी कर सके? दरअसल बात है कि किसान के ऊपर में सरकार का जो ध्यान है तो ये आश्रित रहना चाहिए कि जो माने ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि जो किसान वो जो है उपज कर रहा है, तो उपज कर रहा है जैसे आप लोग आए हैं और आए हैं तो आज हम लोग खबर ले रहे हैं। आज के पूर्व में कोई खबर नहीं लेने वाला था, हैं? तो हमें आशा है कि इसके आगे में जो है सही फसलों के दाम मिले और हम लोग जो है बेहतर से बेहतर करके जो है हम लोग फसल कर सकें। तो और क्या ऐसी समस्या है जो जिनको अगर सरकार जिनके ऊपर ध्यान दे तो किसान थोड़ा सा और बेहतर तरीके से खेती बाड़ी कर सके? खाद के प्रॉब्लम है, खाद जगह महंगा है, कुछ सस्ता हो जाए तो जो है बढ़िया से जो है खेती बाड़ी कर सकते हैं। तो इस वर्ष लेकिन थोड़ा सा आप लोगों के ऊपर ऊपर वाला ने थोड़ा सा दया दिखाया और सभी किसानों के लिए वर्षा भी की, और यही जो है वर्षा से हमारे देश में खेती भी होते हैं और खेती के कारण देश के लोगों का पेट भी पलता है। तो आप एक अन्नदाता होने के नाते क्या आपके सरकार को आप क्या अनुरोध करेंगे? मैं यही अनुरोध करना चाहते हूँ कि जो जो फसल होता है उसमें जो है सही ईदे, और एक सुझाव है कि कुआँ वगैरह वगैरह में जितना सरकार पैसा देती है उसके बदले में अगर यदि बोरिंग जगह जगह में दे दें तो जो है अन्नदाता जो है खुशी से जो है अपना अन्न उगाएगा। सही बात है, यही आपका मतलब? हाँ, मेन पॉइंट मेरा यही है कि जिस जगह जगह पर जो है केंदुआ हुआ, जैसे कि इधर हुआ, जगह जगह में बोरिंग का जो है ये करे, बिजली का माने मुहैया करे, ताकि जो है हम लोग एक साल में सिर्फ यही जो धान मिलता है इसके बाद में कोई फसल नहीं मिलता है। अगर पानी का यदि बोरिंग रहेगा तो जो है हम लोग इसमें गेहूँ लगा सकते हैं, चना लगा सकते हैं। तो किसानों ने बहुत बड़ी बात कही कि हमारे ऊपर अगर थोड़ा और ध्यान देंगे सरकार तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, और सरकार से यह भी आग्रह किया अगर किसानों के जो खाद्य है वो खादों पर अगर थोड़ा सा कर कम करे या फिर उनका मूल्य कम करे और थोड़ा जो भी फसल है उनका थोड़ा दाम ज़्यादा बढ़ाए तो किसान थोड़ा सा सुखी
हो सकता है किसानों की समस्याएं थोड़ी सी दूर हो सकती है। तो हम आपके साथ यहीं तक, कैमरामैन संजय के साथ, मैं धनंजय कुमार, रफ्तार मीडिया, धन्यवाद।